पढ़ाई तो हो गई, अब रिवीजन करूंगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सबका रिवीजन हो गया, फिर तो मैं पक्का पास हूँ, हो जाएगा। ओह हाय फ्रेंड्स, इट्स मी प्रियांशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियांशी। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 2-in-1 वीडियो, मतलब आज मैं आप लोगों को मेरा एग्जाम टाइम रूटीन दिखाने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं मेरे एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा टिप नंबर 1 है कि जब भी आपका जो प्रिपरेशन है वो हो जाए, और याद रखें प्रिपरेशन को जो है ना वो आप बुक को थोरली पढ़ के कर सकते हो एंड कॉपी में भी जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ के कर सकते हो, या फिर अगर आप ट्यूशन जाते हो तो अगर आपके कुछ डाउट है तो आप ट्यूशन टीचर से या फिर आपके स्कूल की जो साइंस पढ़ाती है उनसे पूछ सकते हो। तो मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हैं इन दोनों चैप्टर में। नाउ इन सब का पढ़ाई का तो हो गया, लेकिन अगर मान लो कि मैं तो श्योर हूँ ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे, कल तो मैं टॉप करूंगी। ओह नो, मेरा तो एसएसटी का एग्जाम था, मैंने साइंस क्यों पढ़ लिया। आप लोगों के साथ ये सिचुएशन ना हो, आप लोग ना अपने बोर्ड में या फिर आप एक कॉपी में आपका एग्जाम का शेड्यूल कर सकते हो, बना सकते हो, जिसमें आपको बस 3 कॉलम करने हैं। एक में होगा डेट, एक में होगा डे एंड दूसरे में होगा सब्जेक्ट। आप लोगों का बोर्ड का हो गया, आप लोगों का साइंस का आपने सारा पढ़ लिया, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे ना, खुद का टेस्ट लोगे। कि आप लोग अपना बुक को एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो एंड उसके बाद आप अपने मर्जी से क्वेश्चन दे दो अपने आप को। और ये वाला नहीं कि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन दे दो, अगर आपके टेस्ट कॉपी में कुछ करवाते हैं रिवीजन टेस्ट जैसा तो आप उधर से ले सकते हो, जो जो आपका गलत हुआ है। जैसे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इधर दिया है ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या पता ये एग्जाम में आ जाए तो फिर मेरा एक मार्क कट जाएगा ना। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying. Guys, मैं नहा के आ गई और गर्मी बहुत हो रही है, तो मेरे पसीने को mind मत करना, मैं पसीना निचोड़ के डालूंगी तो अभी मेरा dust paper पूरा गीला हो जाएगा। लेकिन ये रहा हमारा जो test paper जो मैंने बनाया था, मैंने आपको दिखाया भी था मैंने कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। तो अभी हम इधर पहले नेम क्लास फिलअप करेंगे, और ये है आंसर शीट, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस इधर लगा लगा के दे दिया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग ये आंसर शीट में आंसर लिखेंगे। और हाँ, मैंने बोला था ना टेस्ट हमारा जो होगा वो 40 मिनट्स का होगा, तो एलेक्सा सेट एन अलार्म फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स स्टार्टिंग नाउ। बाय द वे, टिल द टाइमर गोज ऑफ, would you like to enjoy some music? No, thank you. So, अभी मैं देने वाली हूँ मेरा टेस्ट, और फिल इन द ब्लैंक थे और आंसर शीट में मैंने भर लिया मेरा लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे, और इन सब का आंसर करने के बाद मैं खुद ही बुक निकाल के चेक करूँगी। और ये थोड़ा स्पीड मूव करने से भी लंबा हो गया था, इसलिए मैं इसको बीच बीच में कट कर रही हूँ, और यहाँ मैं चीटिंग नहीं, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, और उसके बाद मम्मी और पापा का सिग्नेचर लेने का है। सो फ्रेंड्स, अभी है लंच टाइम एंड लंच कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ना है तो पेट पूजा करना है, उसके बाद पढ़ाई पूजा करना है। तो मैं जा रही हूँ मेरा लंच करने एंड उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है इवनिंग टाइम एंड मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने मेरा लंच करने के बाद क्या क्या किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लंच करने के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा याद किया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि वो मुझे कॉपी के क्वेश्चन आंसर्स पूछेगी। मैम ने तो बोला था लेकिन बुक को थॉरली पढ़ने के लिए कि बुक से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आफ्टरनून में मैंने मम्मी का सारा क्वेश्चन आंसर करने के बाद बुक को थॉरली पढ़ लिया। ये टीचर्स का पता नहीं, आप लोग कॉपी का भी पढ़ लेना, ठीक है।
बुक को थॉरली पढ़ लेने से ना आपको बस सेंटेंस फ्रेमिंग आपका ठीक होना चाहिए, तो फिर आपका एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हो जाएंगे. यू नो लाइक हमारा टॉपिक जो है वो है फूड. अगर आपको पता हो गया कि हमको फूड क्यों चाहिए और अगर आपको समझ आ गया वो पूरा का पूरा चैप्टर, तो बुक के कहीं भी कॉर्नर से क्वेश्चन है आपको वो आ जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ा है एंड आपने उसको थॉरली याद भी रखा है. तो अभी हमारा जो ट्यूशन है ना, वहाँ से ऐसे ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले देते हैं, ताकि हम लोग उसको पढ़ के याद रख सकें. ये शॉर्ट आंसर्स हैं, इनको हम लोग लंबा करके सेंटेंस फ्रेमिंग में थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कर सकते हैं. एंड हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें यूजुअली एग्जाम में 2 मार्क्स का होता है ईच, वो उसमें हम लोगों को हमारा 2 मार्क्स ऑब्टेंड हो जाएंगे. नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपका कहीं भी गलत हुआ है, जब आपकी मम्मा या फिर आपकी दीदी आपको कोई भी पूछ रहा है क्वेश्चंस, जो जो आपका आंसर्स गलत हुआ है ना, तब आप अपने लिए एक पनिशमेंट रख लेना, अपने आप को थोड़े से मार देना, ताकि आपको याद रहे कि नेक्स्ट टाइम आपको गलती नहीं करनी, मैंने तो वही कर दिया. मैं क्या बताऊँ, मेरी इतनी दुख है. ठीक है, हम लोग फिल्म में एक्टिंग छोड़ते हैं, हम लोग मैं आपको पढ़ाई के बारे में बता रही थी ना, मैं थोड़ी सी टेढ़ी सी हूँ. ठीक है, तो आप लोग कॉपी का जो क्वेश्चन आंसर वो याद रखने के साथ आप लिख भी सकते हो. मतलब बहुत लोगों का अलग अलग होता है, जिन लोगों को पढ़ के याद रह जाता है. आप लोग जानो पहले कि आप पढ़ के याद रख सकते हो या फिर लिख कर याद रख सकते हो. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं लिख कर याद रख सकती हूँ, तो मैं वहीं करती हूँ यूजुअली. मतलब अगर मुझे कुछ याद रखना होता है तो उसको एक बार पढ़ के लिख लेती हूँ, उसके बाद उसको बिना देखे फिर से लिखती हूँ, और जो जो गलत होता है उसको रेड पेन से सही कर लेती हूँ. तब ना थोड़ी टीचर वाला फीलिंग आता है, तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है. सेल्फ एग्जाम में दिखाओ. मेरा सेल्फ एग्जाम में मुझे ना 19.5 मिला. क्यों? क्योंकि मेरे ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत थे, आप देख सकते हो, इधर गलत है, इधर गलत है, ठीक है, और इधर भी नहीं और गलत नहीं है, 2-3 मेरे स्पेलिंग मिस्टेक गलत थे, इसीलिए ना स्पेलिंग मिस्टेक का भी मार्क कटते हैं, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक में भी थोड़ा ध्यान रखना होता है. सो आप लोग यही करोगे, और मैं ये सब करने के बाद क्या क्या करूँगी आप लोगों को बता देती हूँ. ठीक है, अभी मैं मेरा जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि मैंने बोला, अभी देख देख के मैं लिखूँगी, तो वही करने वाली हूँ मैं. और उसके बाद जैसे 9:30 या फिर अभी तो करेंटली 8 बज रहे हैं, तो जैसे 9:30 या फिर 9 हो जाता है, मैं क्या करूँगी ना, जल्दी सो जाऊँगी, ताकि मॉर्निंग को उठ के मैं फिर से एक और बार रिवाइज कर लूँ और मेरे एग्ज़ाम को जाऊँ. और हाँ, एग्ज़ाम जाते वक्त ना दही चीनी खाना मत भूलना, एग्ज़ाम अच्छा जाता है उससे. ठीक है. ओ भाई, मारो मुझे. चलो मैं तब तक आप लोगों को बता देती हूँ कि पाउच के अंदर रखना क्या है. सो ये है मेरा पाउच जो मैं ले रही हूँ. मैं कभी कभार थोड़ा अलग अलग पाउचेस मेरा ले लेती हूँ, तो ये वाला ग्रीन पाउच में जो है वो कल लेने वाली हूँ. तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें हैं ना, कि आप लोग पेन रखोगे, स्केल रखोगे, पेंसिल रखोगे, इरेजर रखोगे, एंड उसके बाद शार्पनर रखोगे. ठीक है, और आप एक्स्ट्रा पेन भी रख सकते हो, क्योंकि अगर आपका एक पेन का इंक खत्म हो जाए तो आपका दूसरा पेन काम आएगा. और आप एक्स्ट्रा पेंसिल भी रख सकते हो, क्योंकि पेंसिल की निप जब कभी कभार बहुत ही गंदे हिसाब से टूट जाती है ना, दिल में बहुत ही बेकार सी फीलिंग आती है, इसीलिए आप लोग एक्स्ट्रा भी रख सकते. सो गाइज, मैं आपको बहुत बार बोली हूँ कि मुझे ना अल्कोस का लविना वाला पेन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक पेन ले रही हूँ जिससे मैं एग्जाम लिखूंगी, और एक एक्स्ट्रा पेन ले रही हूँ, जिसको हम लोग ऐसे इस सब के बाद. एंड रिमेम्बर, आपके पास एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए, मैक्सिमम 7-8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, और ओवर स्लीप मत करना, वरना आपका वैन भी मिस हो सकता है. आपको वैन कहाँ आता है? एडिटिंग था. आप लोगों को मेरा ये एग्जाम रूटीन एंड एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन जरूर करना, क्योंकि ये सारे टिप्स ना मैंने मेरे फ्रेंड्स से कलेक्ट किया, यूट्यूब से कलेक्ट किया, एंड मेक श्योर किया कि ये परफेक्टली वर्क करता है, क्योंकि मैं आप लोगों को कभी स्कैम नहीं करती. एंड हमारा फाइनल टिप है कि आप एग्जाम टाइम में मोबाइल ज़्यादा यूज मत करना, वरना इन्हें ही देख लो, थोड़ा गूगल में सर्च करना. अरे वाह, मैं भी ये वाला ट्रेंड करूंगी. प्रियांशी, क्या कर रही हो प्रियांशी? फिर से ये लड़की फोन देख रही है. हाँ मम्मी, मैं पढ़ रही हूँ.
ऐसे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है? तो एग्जाम टाइम में ट्राई करना कि आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करो. ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ ना करो, जब आपको ज़रूरत है फ़ोन तब आप यूज़ करो, वरना बेकार के चीज़ों में मत करो, ठीक है? एंड या आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोगों को एग्ज़ाम सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये 2 ईयर्स के बाद सबका फिर से वापस ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है. सो आई विश यू द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर.